प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसे लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत जारी है। शिवपुरी जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। इस कड़ी में गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे रैली, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही शहरों में स्कूल और कॉलेजों में यूथ चला बूथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में छात्रों को यह बताया जा रहा है कि वे अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिले में 65 पिंक बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर महिला कर्मचारी व अधिकारी मतदान प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। इनके प्रथम चरण का प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है। जिले में 5 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 28 नवंबर को मतदान होना है। जिले में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। यह प्रेक्षक जिले में आ भी गए हैं और इन्होंने चुनावी व्यवस्थाओं पर नजर रखना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। रायसेन जिले में स्वीप प्लान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर के खेल स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, बता रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। इसके अलावा उदयपुरा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिलाओं तथा बालिकाओं ने एक कलश यात्रा निकालकर मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया। जागरूकता अभियान के तहत जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्वाचन पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इस अभियान के तहत मेहंदी, रंगोली, भाषण, निबंध, रैली सहित अन्य गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पोषण आहार का महत्व बताते हुए ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए पोषण आहार जरूरी है, उसी तरह सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। दिव्यांगजनों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रीवा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारी रीवा संवाददाता की रिपोर्ट। यहां तकरीबन 8,000 दिव्यांग मतदाता हैं, जिन्हें मतदान के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। दिव्यांगों और उनके परिवार को मतदान के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से अब तक तकरीबन 700 से अधिक दिव्यांग और उनके परिवारों को आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारी लगाए गए हैं। दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग मित्र भी नियुक्त किए गए हैं, जो दिव्यांगों को मतदान के लिए सहयोग करेंगे। जिले के सभी दिव्यांगों को उनके परिवारों को सूचीबद्ध कर मतदान के लिए विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए हल्दी चावल देकर प्रेरित किया जा रहा है। वहीं दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं, जिला निशक्त एवं पुनर्वास केंद्र एवं कला पथक दल द्वारा मंदिरों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, वृद्धाश्रम में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। खंडवा में भी वोटिंग के लिए दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे खंडवा संवाददाता। विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए खंडवा जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। डिप्टी कलेक्टर सुश्री अनुभा जैन ने बताया कि पिंक सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज होली स्प्रिट कॉन्वेंट स्कूल खंडवा में तंबोला व म्यूजिकल चेयर रेस का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्थानीय पुलिस ग्राउंड में खो खो, कबड्डी तथा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से महिला मतदाताओं को आगामी 28 नवंबर को होने वाले मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा आज नगर निगम चौराहे पर सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा के छात्र छात्रों के द्वारा नाटक नुक्कड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कामकाजी परिवार, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया तथा
नारी उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार अपना मतदान को दिखाकर सार्थक संवाद अदायगी हाव भाव तथा प्रभावी प्रदर्शन किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। धार जिले में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सभी सातों विधानसभा सीट के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं अन्य राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। नामांकन दाखिल करने और चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। हालांकि दीपावली के पर्व को देखते हुए चुनावी रंगत थोड़ी फीकी है। धार जिले में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के मध्य ही होता है। दोनों ही दलों ने विभिन्न समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। कांग्रेस ने इस बार 7 में से 2 नए चेहरे तो भाजपा ने 2 वर्तमान विधायकों का टिकट काटकर 3 नए चेहरों को स्थान दिया है। इस बार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए जहां बीजेपी ने पूर्व की तरह धार व मनावर से 2 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भी सर्वाधिक मतदाता वाली धार विधानसभा सीट से जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम की पत्नी प्रभा देवी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला भाजपा की वर्तमान विधायक नीना विक्रम वर्मा से होगा। जबकि मनावर में भाजपा की पूर्व मंत्री रंजना बघेल के मुकाबले कांग्रेस ने जेएस के प्रदेश अध्यक्ष श्री हीरालाल अलावा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जहां गंधवानी के वर्तमान विधायक उमंग सिंगार व कुक्षी के हनी बघेल पर एक बार पुनः विश्वास जताया है, वहीं पूर्व में पराजित 3 पूर्व विधायकों धर्मपुरी से पांचीलाल मीणा, सरदारपुर से प्रताप ग्रेवाल व बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि भाजपा ने अपने 2 वर्तमान विधायकों कालू सिंह ठाकुर व वेल सिंह भूरिया का टिकट काटते हुए उनके स्थान पर धर्मपुरी से गोपाल कन्नौज व सरदारपुर से संजय सिंह बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कुक्षी से नए चेहरे जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह बघेल को मौका दिया गया है। भाजपा ने बदनावर से वर्तमान विधायक भवन सिंह शेखावत पर पुनः विश्वास जताया है। वहीं गंधवानी से गत चुनाव में पराजित सरदार सिंह मेड़ा को एक बार फिर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। 2 नवंबर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। सतना के सभी विधानसभा सीटों पर निर्वाचन की तैयारियां जोर शोर से जारी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता। सतना जिले में इस माह होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना में नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। वहीं कुछ को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। शहर से लेकर गांव तक गली गली राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, उम्मीदवार और कार्यकर्ता मतदाताओं की शरण में जाने लगे हैं और मतदाताओं की मुस्कान उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जिले में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए मतदाता जागरूकता रथ, रैली, मैराथन, संगोष्ठी आयोजित कर शपथ दिलाकर इस लोकतांत्रिक पर्व को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं जिला प्रशासन जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए लगातार तत्पर है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की भी सुविधा दी है। पेश है एक रिपोर्ट। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत दर्जन भर दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, मसलन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड या फोटो सहित पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश भी दिए हैं कि ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केंद्र में मत देने के लिए अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है तो उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चुनाव और दीपावली पर्व को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन में जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उज्जैन संवाददाता।
उज्जैन में मतदान और दीपावली पर्व की तैयारियों का असर जोर शोर से दिख रहा है। उज्जैन के प्रवेश मार्गों पे सभी जगह जहां चेकिंग और पुलिस की नाके लगे हुए हैं, वहीं हर वाहनों की चेकिंग बड़ी सघनता के साथ की जा रही है। वहीं त्योहारों को लेकर भी उज्जैन में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय हो या सोने चांदी का या कपड़ों का मार्केट, सभी जगह भीड़ भाड़ नजर आ रही है। हालांकि व्यवसाय कितना हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं दे पा रहे हैं, परंतु भीड़ अत्यधिक बाजारों में नजर आ रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। अब बात खेल से जुड़ी हुई। हाल ही में ग्वालियर में तृतीय एमपी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अधिक ब्यौरा हमारे ग्वालियर संवाददाता से। टूर्नामेंट में सीहोर के भावेश गौड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरी सफलता अर्जित की। जीवाजी क्लब में खेले गए पुरुष एकल के फाइनल मैच में भावेश ने ग्वालियर के तनिक गुप्ता को सीधे सेटों में 6-2 व 6-2 से हराया। भावेश ने इंदौर के सूर्यांश यादव के साथ मिलकर पुरुष युगल का खिताब भी अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में भावेश सूर्यांश की जोड़ी ने ग्वालियर के कुणाल भैरवा और कुशाग्र दीक्षित की जोड़ी को 6-2 व 6-2 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। महिला एकल में इंदौर की गणेशी चैंपियन रही। फाइनल में उन्होंने ग्वालियर की आयुषी नरवरिया को आसानी से सीधे सेटों में 6-1 और 6-1 से पराजित किया। बालक अंडर 18 का खिताब ग्वालियर के कुश अर्जरिया ने जीता। कुश ने इंदौर के मनन नवलानी को 3-6, 6-2 और 6-1 से पराजित किया। जीवाजी क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह सहायक आयुक्त नारकोटिक्स प्रणेश गुप्ता, एसपी ईओडब्ल्यू रघुवंश भदौरिया और एसपी अजाक वीरेंद्र जैन की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर जीवाजी क्लब के सचिव डॉक्टर नीरज कौल, आयोजन सचिव रजनीश शर्मा और एमपीटीए के ऑब्जर्वर प्रफुल्ल अर्जरिया सहित कई वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी मौजूद थे। 8 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 150 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। और अब बात दीपावली पर्व की। दीपावली, दीपावली, दीपावली। दीपावली पर्व की शुरुआत आज धनतेरस से हो गई है। धनतेरस पर बर्तन, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य खरीदारी को शुभ माना जाता है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों और कस्बों के बाजार में रौनक देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, बर्तन और आभूषणों की दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। जिले की ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में धनतेरस के अवसर पर भगवान कुबेर भंडारी मंदिर परिसर में कुबेर लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया। हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि धनतेरस पर बर्तन, कपड़े, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक और आभूषणों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनतेरस के अवसर पर शहर के दुकानदारों ने पहले से ही तैयारियां की हैं। दुकानों को सजाया गया है, जिनमें काफी रौनक देखी जा रही है और बड़ी संख्या में खरीदार भी पहुंच रहे हैं। आज बर्तन, सराफा और इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी बिक्री हो रही है। शाजापुर, ग्वालियर, सतना, कटनी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी धनतेरस उत्सव मनाए जाने की खबरें हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं और आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिजली कंपनी में सभी पटाखा व्यवसायियों, दुकानदारों से अपील की है कि बिजली लाइन के नीचे ट्रांसफार्मर के आसपास दुकानें ना लगाएं, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और सुखद दीपावली मनाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मैं रत्नेश सोनी। दीपावली, दीपावली, दीपावली। आप सबको भी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अंक को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा और परितोष दीक्षित, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।